आज मेरे पास एक ऐसे टी डब्ल्यू एस है जिसने सिर्फ नौ सौ में मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया है ये ट्रिगर नाम की कंपनी की तरफ से आते हैं और इसका नाम है क्रैकन एक्स वन होगा इसमें इस क्रैक एक्स वन को पांच दिन अच्छे से यूज कर लिया है इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको ये लेना चाहिए या नहीं ये एयरबर्ड्स एक अच्छी बॉक्स पैकेजिंग में आते हैं डब्बा देखूंगा ऊपर ट्रिगर क्रैकन एक्स लिखा है साइड पर टैगलाइन एंड ब्रांडिंग है पीछे आपको की हाईलाइट लिखे दिख जाएंगे काफी सही सही हाईलाइट है हम आगे डिटेल में बात करने वाले उसके बाद ये डब्बे को ऐसे स्वाइप करके और ये डब्बे को ऊपर से खोला तो ऊपर आपको काफी सारे दस्तावेज मिल जाते हैं सबसे पहले वारंटी कार्ड है ईयर की वारंटी मिल जाती है यहाँ पे स्कैनर पे जाओ स्कैन करो अपनी वारंटी रजिस्टर कर लो एक यूजर मैनुअल मिल जाती है मैनुअल्यू कार्ड मिल जाता है एंड ट्रिगर के 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 कुछ स्टिकर्स भी मिल जाते हैं इस बॉक्स के अंदर उसी बाद जब आपने इसको हटाया तो ऑफकोर्स आपके ईयरबड्स मिल जाएंगे इस पन्नी के अंदर लपटे हुए थे एक्सेसरीज का बॉक्स मिले जिसमें आपको ईयर टिप्स मिल जाएंगे और टाइप सी की केबल मिल जाएगी ये ईयरबड्स को पन्नी से निकालने के बाद जब मैंने सबसे पहली बार देखा पूरा मेजेस्टिक आउल डिजाइन भाई एकदम उल्लू वाला दिखता है एंड आखिखी दिखती है उल्लू की थोड़ा सा अलग दिख के आते हैं डिजाइन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, है जेब में चला जाएगा बल्स दिखाएगा स्क्रेचेज नहीं लगते मैंने जैसे बताया पांच दिन यूज कर लिया एंड इस पर एक भी स्क्रेच नहीं है तो काफी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है क्या अमेजिंग क्वालिटी के लिए स्नेप सोनो उसी के बाद ये रेट पीछे जाके एकदम लॉक होती है ये लेट गलती से भी नहीं बंद होगी काफी ज्यादा स्नैपी है लेट जो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा अगर ये लेट की क्वालिटी अच्छी ना होना तो ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं एंड इस क्वालिटी के ऊपर बहुत ही कम ब्रांड्स फोकस करते हैं सामने उल्लू की आंखें एलईडीज है जो दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा फील देती है अंदर बात करूं तो नौ सौ रुपए के प्राइस में आपको दिया एक डिजिटल बैटरी इंडिकेटर बताएगा आपके बर्ड्स में कितनी बैटरी है और ये पांच पांच परसेंट से नहीं गिरता है यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक एक परसेंट के साथ गिरता है जो अच्छा है एक रियल टाइम अपडेट देता है आपको उसके बाद अंदर भी पूरा आपको मैटफिन मिलेगा बिल्ड क्वालिटी से डिजाइन से मैं impressed और मुझे वो काफी ज्यादा मस्त लगे है। तो भी एक थोड़ा सा अलग डिजाइन के साथ स्टेम डिजाइन है जिसके ऊपर एक हल्की सी एलईडी दी गई है जो कान में हल्की सी एलईडी आती है और अच्छी लगती है ट्रिगर का ब्रांडिंग एंड ईच ईड के ऊपर आपको दो माइक मतलब टोटल माइक का सेटअप मिलेगा आगे माइक क्वालिटी की भी बात करेंगे बट बेसिकली आपको दो पीसेज मिलते हैं एक एक इसका स्टेम है एंड फिर ऐसा लग रहा है अलग से अंदर वाला हिस्सा लगाया गया बट दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड एक यूनिक फीलिंग देते हैं पी एस रेटेड है बर्ड हल्का फल्का छोटक फुटक पानी भी उड़ गया चल जाएगा जिम वर्कआउट्स में इशू नहीं आएगा एंड जब मैंने इन इयरबर्ड्स को पहना तो मुझे बहुत ज्यादा ये कंफर्टेबल लगे कानों में अच्छे से जाके बैठ जाते गिरते बिल्कुल भी नहीं है आराम से चार पांच छह घंटे आप इनको पहन के रख सकते हो ना कानों में दर्द होगा और कंफर्ट एकदम अच्छा मिलेगा आपको बर्ड्स केस के बाहर निकालना है उसके बाद पैर होते हैं जितनी देर में आप दोनों बर्ड्स पहनेंगे उतनी देर में ऑलमोस्ट कनेक्ट हो जाएंगे मतलब तीन चार सेकंड लेते हैं कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है एंड पे एसी कोडेट का भी सपोर्ट दिया गया मतलब आप थोड़ा सा हाई क्वालिटी में भी गाने एंजॉय कर सकते हो साउंड क्वालिटी में मैं आऊंगा जो काफी ज्यादा शॉकिंग लगा

को ट्यून करो और आपका काम हो जाएगा बट इस प्राइस में हजार बारह सौ तेरह सौ के प्राइस में बहुत ही कम ब्रांड जैसे होते हैं जो एक्चुअल में बेस के ऊपर फोकस करते हैं एकदम हाई वॉल्यूम पे साउंड लीकेज थोड़ा बहुत होता है बट वो जनरली हमें हर बर्ड में देखने मिलता है बहुत ज्यादा नहीं होता है एंड डिस्ट्रॉशन नहीं है जो काफी अच्छी बात है जिसके कारण हंड्रेड वॉल्यूम पे भी आप गाने सुन सकते हो टच कंट्रोल भी आप ट्रिगर ने इस बर्ड में सारे दे दिए प्ले पॉज हो जाता है डबल टैपे म्यूजिक नेक्स्ट होगा ट्रिपल पे वॉल्यूम कंट्रोल हो जाएगा लेफ्ट वाले पे होल्ड करके रखा गूगल असिस्टेंट एंड सी को ये जगा के आपसे बात करवाना शुरू कर दे एंड राइट right वाले पे होल्ड करके रखा तो जाएगा ये गेमिंग मोड में अब जो गेमिंग मोड है वो है, मिलने वाला है। आपको की की अच्छी लेटेंसी बहुत अच्छी मिलने वाली है नौ नहीं जनरली हजार बारह वाले टी डब्ल्यू एस में फिफ्टी सिक्सटी मिली सेकंड मिलती है बट उस हिसाब से डेफिनेटली तो तो बहुत अच्छी गेमिंग लेटेंसी दी गई है माइक क्वालिटी के लिए चार माइक दिए गए कॉर्ड माइक जैसे मैंने आपको बताया इवाइ कैंसिलेशन

अच्छी थी एकदम कुल थी कोई दिक्कत नहीं फाइनली अगर बैटरी लाइफ की बात करू तो बड से केस से आपको अच्छी बैटरी मिल जाएंगे केस के साथ आप इजिली यहाँ पे थर्टी टू टू थर्टी आवर्स एक्सपेक्ट करके चलो फुल चार्ज पे ये लोग तो फोर्टी आवर्स क्लेम करते हैं मैं तो फिर भी आपको 32, 35 बोल रहा हूँ फुल वॉल्यूम पे अगर थोड़ा बहुत कम वॉल्यूम पे भी सुनोगे तो और ज्यादा बैटरी लाइफ मिल जाएगी यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट भी दिया है और सिर्फ नाइनटी मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं मतलब आपको फास्ट चार्जिंग तक मिल जाती है डेफिनेटली नौ सौ सौ का तो लॉन्च प्राइस बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ आगे जाके अगर प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ भी गया बारह

आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में